फ्रेंड्स, अगर ईमेल आईडी की बात करें तो हर लोग जानता है, क्योंकि आज के डेट में अगर एंड्रॉयड भी यूज करते हैं तो आपको प्ले स्टोर एटलीस्ट जो है एंड्रॉयड को स्टार्ट करने के लिए शुरुआती दौर में ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में हर एक एंड्रॉयड यूजर, हर एक स्मार्टफोन यूजर के पास जो है ईमेल आईडी होगा, और जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो तो सबसे पहला काम जो है सीखते हैं ब्राउजिंग, और सेकेंड काम जो सीखते हैं ईमेल आईडी कैसे बनाएं। लेकिन मैं बात करूँ कि बिजनेस ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, आखिर ये मतलब जनरल ईमेल से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, अलग कैसे होता है, ये कैसे मतलब डेवलप किया जाता है, कैसे आप एक बिजनेस ईमेल बना सकते हैं, तो ये सारी बातें को जो है इस वीडियो में समझेंगे, जो कि आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। हाय गाइस, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं अजय फार्मा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जनरल ईमेल में, तो जनरली आप लोग जब ईमेल बनाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, जैसे कि gmail.com पे, मतलब जीमेल पे बनाते हैं, याहू मेल पे बनाते हैं, रेडिफ मेल पे बनाते हैं, एट्सेट्रा, बहुत सारे वेबसाइट हैं। लेकिन जब प्रोफेशनल ईमेल या बिजनेस ईमेल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो ईमेल सेल्फ होस्टेड है, और दूसरी बात कि वो बिजनेस के लिए, पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सपोज डैट, अगर इसको ऐसा समझे रियल लाइफ एग्जाम्पल से, कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है और आप किसी भी प्रपोजल, ऑफर या डिस्काउंट या किसी भी तरह का ऑफर अगर देते हैं किसी को, इंडिविजुअल को, या कोई कोलैब करते हैं, कोई बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप जो ईमेल भेजिएगा, अगर आपके पास बिजनेस ईमेल या प्रोफेशनल ईमेल नहीं होगा तो आप कैसे भेजिएगा, जीमेल से भेजिएगा, राइट। जीमेल से जैसे ही भेजिएगा, मतलब कि फ्री वाले ईमेल सर्विस से भेजिएगा, तो जो रिसीव करेगा वो कैसे समझेगा कि ये जेन्युइन है। अगर आप अपने पे लेके देखें तब इसको और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सपोज कि आप भी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई पर्सन आपको मेल करता है, कोई ऑफर या कोई जो है किसी टाइप का कम्युनिकेशन करना चाहता है, और वो एक फ्री वाले, जैसे कुछ भी abcdxyz@gmail.com एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे ईमेल आया। अब क्या गारंटी इस बात के आपके मन में होगा कि वो जो मेल आया है एकदम जेन्युइन पर्सन, ओरिजिनल पर्सन भेजा है? शायद नहीं। अगर आप बिजनेस रन कर रहे होंगे तो शायद नहीं, और आज के डेट में खास करके अब तो और लफड़ा हो रहा है, जैसे जैसे डिजिटली फ्रॉड ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चूँकि लोग डिजिटल पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में ईमेल आईडी पे जो मेल आता है उस पर विश्वास करने में बहुत मेहनत लगती है, और तब जाके विश्वास होता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे एक बार आप मेल करें, कोई भी ट्रस्ट कर ले, तो भैया सबसे सिंपल तरीका है कि आप बिजनेस ईमेल स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, प्रोफेशनल ईमेल स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। क्या होता है प्रोफेशनल ईमेल, सिंपल भाषा में समझिए कि सपोज कि अगर मैं अपना ईमेल आईडी बनाता हूँ तो ajay@gmail.com में बनाऊँगा, फ्री वाले में, जो कि अवेलेबल तो एक तो होगा नहीं, फिर भी मान लीजिए अजय कुछ और उसमें जो है सफिक्स या फिर फिक्स ऐड कर दिए @gmail.com, वो हो गया फ्री वाला। लेकिन अगर मेरा जैसे कि वेबसाइट है tekag.com, तो मैं ajay@tekag.com अगर ये ईमेल बनाता हूँ तो ये प्रोफेशनल ईमेल हुआ, और मैं ajay@tekag.com से जिसको भी मेल करूँगा तो वो 100% श्योर हो जाएंगे कि वो मेल जो भेजा गया है वो मेरे द्वारा ही भेजा गया है, जेन्युइन ऑफर है, जेन्युइन बात है, सब कुछ प्रोफेशनली हो रहा है, और जल्दी विश्वास भी करेंगे। दूसरी बात कि बिजनेस कोलैबोरेशन भी जो है बहुत जल्दी होता है, क्योंकि प्रोफेशनल ईमेल का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है वो बहुत अच्छा आता है लोगों में, खासकर डिजिटल दुनिया में ये माना जाता है कि अगर आपके पास बिजनेस ईमेल है, मतलब आप जो है ट्रस्टेड है, आप जेन्युइन है, आप अच्छे से वर्क करना चाहते हैं या वर्क कर रहे हैं। हो गया, तो ये तो समझ गया कि बिजनेस ईमेल क्या होता है, प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है। अब एक और बात आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम लेंगे, मतलब यहाँ पे डोमेन नेम के जैसे एग्जांपल लेते हैं abcd.com, google.com, facebook.com, और मैं अपनी अगर एग्जांपल लूँ, आप लोगों को जो ब्लॉग बताते रहता हूँ tekag.com, ओके, तो ये ब्लॉग या वेबसाइट या डोमेन नेम मैंने ले लिया, चालू कर दिया, तो फ्री में आपको जो है बिजनेस ईमेल बन जाएगा? नहीं भैया, अगर बिजनेस ईमेल का जो है सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको बिजनेस ईमेल के लिए अलग से फिर पे भी करना पड़ेगा। डोमेन नेम तो पे करना ही करना है, बिजनेस ईमेल मतलब ईमेल होस्टिंग के लिए पे करना पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, और सिंपल रियल लाइफ समझिए कि जो ईमेल आप रिसीव किए और ये आप भेजे, तो आपके मोबाइल में स्टोर तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं सर्वर पर रहेगा, जैसे कि वेबसाइट के केस में होता है। तो आखिर वो मेल कहाँ सर्वर पर रहेगा, किस सर्वर पर रहेगा, कौन देगा स्पेस, कौन पूरा वर्क करेगा, जितने भी प्रोटोकॉल के तहत जो वर्क करना होता है ये सब कौन करेगा?
तो इसके लिए आप खुद से मतलब कि अपना जो ईमेल सर्विसेज स्टार्ट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसकी करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोफेशनल ईमेल गूगल जो है जीमेल सूट, जी सूट कहते हैं, इससे भी ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल ईमेल प्रोवाइडर है, आप कहिएगा तो मैं ईमेल प्रोवाइडर जो कि प्रोफेशनली प्रोवाइड कराते हैं आपको कम से कम चार्ज में, तो वो मैं लिस्ट बना के आपको बताऊंगा। लेकिन और भी तरीके हैं जिससे कि फ्री बिजनेस ईमेल बना सकते हैं। जैसे पहले गूगल खुद प्रोवाइड कराती थी कि 10 यूजर तक जो है आप अगर बनवाते हैं, अगर आप अपना प्रोफेशनल ईमेल बनाते हैं तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वो ऑफर तो गूगल जो है बंद कर दिया है। लेकिन अब दूसरे की मैं बात करता हूँ, जो पे मैं बात करता हूँ, तो जो ही ईमेल पे भी जो है आप जो है अपना प्रोफेशनल ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। पूरा डिटेल्स में और बताऊंगा, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल ईमेल में इंटरेस्टेड होइएगा तो आप प्रोफेशनल ईमेल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या प्रोफेशनल ईमेल बढ़िया होगा या फ्री वाले ईमेल बढ़िया रहेगा आपके लिए, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सच में पसंद आया तो पहले शेयर कर दीजिए लाइक करने के बाद, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एनीवे मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।